नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल मिसेस दीपिका दीवान पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नमक के ऊपर कि आपको किस तरह का नमक खाना चाहिए, कौन सा नमक आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और कौन सा नमक आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। मेरे वीडियोस पे आपने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप लोग जानना चाहते हैं कि कौन सा नमक स्वास्थ्यवर्धक है, आप हमें बताइए आप कौन सा सॉल्ट खाते हैं। तो आज इसी विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए दोस्तों, जो नमक खाना है, नमक वैसे तो बहुत सारे होते हैं और उनकी वैरायटी 7 तरीके के नमक आयुर्वेद में बताए गए हैं, जिसमें से सबसे ऊपर सेंधा नमक को रखा गया है, उसके बाद काला नमक और उसके बाद समुद्री नमक और बाकी के जो भी नमक है वो उसके बाद की कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। तो सेंधा नमक को सबसे पहले क्यों रखा गया, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। रोचनम, दीपनम, वृषयम, चक्षुष्णम, विदाही, च त्रिदोष हरणम, समुधरम, सैंधवम, लवणो त्रयम्। ये चरक संहिता का सूत्र है। इसमें सेंधा नमक के इतने अच्छे गुण बताए गए कि ये नेत्रों के लिए बहुत अच्छा है, इससे आपके हृदय रोगों में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनके लिए बहुत अच्छा है, ये आपके जो भी मतलब हेल्थ से रिलेटेड इशू है जो कि एसिटिक प्रॉब्लम के वजह से होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो जो सेंधा नमक की कैटेगरी थी ना, वो 2 भागों में थी कि एक जो सेंधा नमक था वो सफ़ेद तरीके का था और जो एक सेंधा नमक था वो लाल तरीके का था। मतलब आपको 2 तरीके से सेंधा नमक मिलता है और जो सेंधा नमक होता है वो आपको नेचुरली आपको मिलता है प्रकृति से, प्रकृति ने वो हमें नेचुरली दिया है, जो कि पाया जाता है पंजाब की माइंस में। और पंजाब की माइंस में मिलता है तो पहले जब इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था तो लाहौर जो था वो पंजाब में ही आता था और उसी वजह से ये वहाँ पर हमें मिलता है। तो आजकल क्या है कि इसकी जो सबसे ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में ये हमें कहाँ से मिलता है, लाहौर से। तो लाहौर वैसे इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में है, इसीलिए इसे पाकिस्तानी नमक भी कह देते हैं, लाहौरी नमक भी कह देते हैं और बहुत सारे मतलब इसके वेरिएशंस है कि बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है इंडिया में। तो हम लोग इसे शीतल नमक भी कहते हैं क्योंकि जो इसका नेचर होता है वो एल्कलाइन होता है, ये कभी भी एसिटिक नहीं होता है। अब जब भी हम लोग क्या करते हैं, व्रत होता है तो सेंधा नमक खाते हैं, तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है कि जब सेंधा नमक क्यों खाने को बोलते थे हमारे ऋषि मुनि या हमारे बड़े बूढ़े जो भी थे, कि आप जब भी व्रत करेंगे तो सेंधा नमक का क्यों यूज करना, क्योंकि क्या होता है, जो सेंधा नमक होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पोटेशियम क्लोराइड, तो उसके अंदर मैग्नीशियम नहीं होता है, तो मैग्नीशियम ना होने के वजह से ये हमें व्रत में खाने के लिए बोला गया, क्योंकि जब व्रत किया जाता है उस टाइम पे हमारी बॉडी में हम लोग ज्यादा पानी का सेवन नहीं करते हैं और भूख भूख रहती है, तो जब अगर पानी का सेवन भी अगर सपोज जैसे बहुत सारे व्रत है जिनमें किया जाता है और कुछ व्रत में नहीं किया जाता, तो आप पूरे दिन खाते नहीं है, उसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन ना हो, शरीर का जो न्यूट्रिएंट है वो पानी के फॉर्म में है शरीर के अंदर वो ना सोख ले। Mg जो मैग्नीशियम होता है उसका नेचर होता है पानी को सोखना, पानी को खींचना उसका नेचर है, तो ये इस नमक में नहीं होता, इसीलिए कहा जाता था कि आप ये वाला नमक खाओ। और जो दूसरा नमक होता है जिसे समुद्री नमक कहते हैं और आयोडीन युक्त नमक कहते हैं, जो आजकल इंडियन हाउसेस में खाया जाता है, वो नमक हम लोग नहीं खाते हैं क्योंकि अगर उसमें एमजी होता है और एमजी क्या करता है, हमारी बॉडी में से वाटर को कंटेंट जो होता है उसे सोख लेता है, तो इसीलिए कहा जाता है व्रत में सेंधा नमक का उपयोग करें। लेकिन आप क्या कीजिए, आप डेली में सेंधा नमक खाइए, आप पूरे 30 डेज 30 दिन जो होते हैं 1 महीने के वहां पर आप सेंधा नमक खा सकते हैं। अब सेंधा नमक में क्या होता है, 94 तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटेशियम, ये सोडियम और सॉरी जिंक, इस तरह की चीज़ें होती है जो हमें मिनरल्स, ये चीज़ें हमें इस नमक में मिलती है। और अगर पर्टिकुलर जो ये मैंने आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम बताए, अगर आप मार्केट से मल्टी विटामिन्स विद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स
न्यूट्रिएंट्स टैबलेट्स भी लेने जाते हैं और जिसमें इस तरह की सभी चीज़ें हो और वो आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी होती है, जैसे आयरन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फास्फोरस है, ये सारी चीज़ें अगर हम लोग मार्केट से लेने जाएँ तो हमें शायद 1 लाख से भी ऊपर का बजट बहुत ही अच्छा खासा हमें मार्केट में पे करना पड़ेगा, और अगर साल का खर्चा उठाना है तो इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को खाने के लिए। तो क्या करना है हमें, तो सिंपल सा ये नमक खाना है, हमारे जो समुद्री नमक है उसे छोड़ना है और इस नमक को खाना है, तो हमें इतना बड़ा खर्चा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब समुद्री नमक क्यों नहीं खाना चाहिए और समुद्री जो आयोडीन युक्त नमक जो आज तक हम लोग खाते आए हैं वो क्यों नहीं खाना चाहिए, उसके पीछे मैं आपको रीज़न बताती हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो समुद्र का पानी डायरेक्ट पी सकते हैं? शायद एक भी नहीं होगा, क्योंकि समुद्र में ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं, ऐसी इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं, ऐसी अशुद्ध तत्व पाए जाते हैं जिन्हें आपकी जो बॉडी है, जो आपकी किडनी है जो कि फिल्टर का काम करती है, वो उनके उनमें जो मतलब तत्व है उन्हें फिल्टर नहीं कर पाती, उनकी जो गंदगी को फिल्टर नहीं कर पाती, इस वजह से हम समुद्र का पानी नहीं पी सकते। तो ये क्या जो ये जो चीज़ हम लोग खा रहे हैं वो उस पानी को सूखने के बाद ही मिलता है हमें, लेकिन क्या होता है जब ये हमें मिलता है जिस फॉर्म में हमें ये मिलता है समुद्र के पास में, ऐसे लंबी लंबी लाइंस बना देते हैं जिसमें ये पानी को सुखाया जाता है, उसके बाद ये हमें ऐसे डली के फॉर्म में मिलता है, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत ही रेयर केस होता है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ये गंदा होता है। तो इसे शुद्ध करने के लिए इसमें बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं, वो उन केमिकल्स को क्या क्यों डाला जाता है, बेसिकली इसलिए डाला जाता है कि जो नमक है इसे साफ बनाया जा सके, इसे फ्री फ्लो बनाया जा सके, इसकी सफाई अच्छे से की जा सके, ताकि हम जैसे लोग इसे घर में खा सके एज ए टेबल सॉल्ट और सब्जियों में और भी बहुत सारी चीज़ों में इसे यूज़ कर सके। तो क्या होता है कि जब इसे साफ किया जाता है, एक तरह से तो कंपनीज इसे सफाई करती है, लेकिन उसमें इतने ज़्यादा हार्श केमिकल यूज़ होते हैं उसकी सफाई करने में, जिसका नाम होता है एल्यूमिनियम, जो दो केमिकल्स डालकर इसकी सफाई होती है, उनमें से दो केमिकल्स है एल्यूमिनियम सिलिकेट और पोटेशियम आयोडेट। तो ये जो केमिकल होते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इनके वजह से ये जो नमक है वो फ्री फ्लो बन जाता है, इसकी सफाई हो जाती है और इसको 1200 फेरनहाइट पे गर्म किया जाता है, इसको सुखाया जाता है उसके ऊपर गर्म करके। गर्म करने का रीज़न क्या होता है कि जब इसे 1200 फेरनहाइट पे गर्म करते हैं तो ये जो नमक है वो एकदम मतलब एकदम प्योर फॉर्म में आ जाता है, उसकी जो गंदगी है इम्प्योरिटी है वो खत्म हो जाती है। इम्प्योरिटीज खत्म होने के बाद में क्या करते हैं इसे वाइट, इसे सुंदर चमकदार क्रिस्टल वाला बनाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं जिनकी वजह से इसे सफ़ेद डाई डाली जाती है। आपको ये ईजी फॉर्म में मैं आपको डाई बोलना चाहूँगी, केमिकल डाई होती है वाइट कलर की, जिसे इसे डाई किया जाता है और हम लोगों तक पहुँचाया जाता है। तो ये हमें सफ़ेद और फ्री फ्लो मिलता है, और कभी भी नमक जो होता है ना उसका जो आण्विक संरचना होती है, उसकी जो साइंटिफिक उसका जो मॉडल है आप समझिए, वो कभी भी टूटता नहीं है, मतलब नमक का जो नेचर है वो हमेशा बाउंड रहेगा, नमक हमेशा कभी भी वो फ्री फ्लो नहीं होता है नमक। और क्या होता है इसे फ्री फ्लो बनाने के लिए सारी चीज़ें की जाती है, फ्री फ्लो बन जाता है तो उसके बाद जो नमक का जो एक्चुअल कंटेंट होता है, जो उसमें मिनरल्स होते हैं, वो तो कुछ नहीं रहते, सिर्फ 4 टाइप्स के मिनरल्स उसमें बचते हैं और मतलब बाकी का जो उसका बेनिफिट्स है वो ख़त्म हो जाते हैं। जो नमक का नेचर होता है वो क्या होता है, वो नमी को सोख लेता है, आपके जो आसपास का जितना भी मॉइस्चर है वो नमक सोख लेगा, तो उसके वजह से क्या होता है नमक जो है वो गीला हो जाता है। तो अब उसको क्या होता है, जैसे नॉर्मल जो नमक होता है उसके बारे में आपको मैं बनाने जा रही हूँ, जैसे कि सेंधा नमक है जो डली के फॉर्म में है, नेचुरल फॉर्म में है, उसका नेचर हमेशा यही होता है। आप देखेंगे आप नमक को आप किसी भी जगह रख दीजिए, और अगर जैसे बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा नमी होती है तो नमी से वो क्या करेगा, वो जो आसपास का जो मॉइस्चर है उसको सोख लेगा। तो जो इसका एक आप DIY भी कर सकते हैं, जैसे सपोज आपकी वार्डरोब है उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो आप नीम के कुछ पत्ते आप उसमें रख सकते हैं, या नीम के पत्तों की रिप्लेसमेंट है आप सॉल्ट जो है सेंधा नमक या जो भी आपको नेचुरल फॉर्म में काला नमक मिलेगा आप उसमें रख दीजिए वार्डरोब में, आपकी जो वार्डरोब है उसमें ड्राई रहेगी, आपकी वार्डरोब में नमी नहीं आएगी। तो ये सब चीज़ें किस लिए होती थी, क्योंकि
कि जो नमक का नेचर है वो ये है कि वो नमी को सोख लेगा। इसलिए कहते थे कि जैसे आप आपने आसपास या आपने घर में नमक रखिए, वो आपको बुरी दृष्टि से बचाएगा। क्योंकि बुरी दृष्टि क्या है, बुरी जो एनर्जी है वो यही है, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, यही बुरी एनर्जी है। और वो किससे क्रिएट होंगी, बैक्टीरिया और वायरस की। आप जो नमी है आपके घर में, सपोज मॉइस्चर है हल्का सा भी, तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे बीमारियां हो सकती है। तो यही रीज़न होता है, बहुत सारे रीजंस हमारे शास्त्रों में थे जिनके वजह से ये सारा साइंस क्रिएट किया गया। और हम लोग नमक के बहुत सारे फ़ायदे कर सकते हैं। अगर आपको इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेना है नमक का, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे सपोज़ आपको सेंधा नमक खाना है डेली में, और किसी को बीपी लो रहता है, तो आप जब सुबह उठती हैं तो आप या उठते हैं तो एक चम्मच सेंधा नमक को, छोटा वाला चम्मच, आप एक ग्लास पानी में डालकर पी सकते हैं। आप 20 दिनों तक ये नुस्खा कीजिए, आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा आपके बीपी लो होने वाली जो शिकायत है उसमें। ऐसे ही अगर आपको बीपी हाई है तो आप क्या करिए, जो सेंधा नमक है आप सेंधा नमक को लीजिए, और जो सेंधा नमक 100 ग्राम आपको सेंधा नमक लेना है, और अपने जो टब या बाल्टी जो भी है उसमें आप पानी में डाल दीजिए और उस पानी से नहाइए। बस ध्यान यही रखिएगा कि जो ये पानी है उसको आपको सर के ऊपर नहीं डालना है, क्योंकि मतलब इसका भी एक रीज़न है कि आप इस पर सर पर ना डालिए। तो आप इसे सिर्फ अपनी बॉडी पर डालिए और सर पर नहीं डालना है, और बहुत गर्म पानी में इसे ना डालें, क्योंकि गर्म पानी वैसे भी नहीं नहाना चाहिए, मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में बताया हुआ है। और नमक को अगर आप एज ए इसका जो से मोटा सा टुकड़ा है और आप लेकर अपने बॉडी पे रब करते हैं, तो ये आपकी स्किन जो है ना उसको एकदम क्लीन करता है, आपकी स्किन से डर्ट बैक्टीरिया सफाई करता है आपकी स्किन की, सुंदर चमकदार आपकी स्किन को बनाता है। तो ये एक नुस्खा है जो आप ट्राई कर सकते हैं घर में बैठे सेंधा नमक के ऊपर। अब जैसे किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या चिड़चिड़ा नेचर किसी का है, तो या फिर बहुत ज़्यादा मतलब आपका मन बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है, तो आप ये वाला जो नुस्खा है आपके, आजकल क्या होता है सॉल्ट के, इस सॉल्ट के साबुन भी मार्केट में मिलते हैं। मैं आपको अमेज़ॉन पे लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। इस तरह के साबुन से अगर आप रोज़ अपने बॉडी को मलकर नहाते हैं अच्छे से, तो आपकी जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाली प्रॉब्लम है, माइंड डिस्टर्ब रहता है, उस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपके स्किन से रिलेटेड इशू जो होते हैं वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जो ये नमक है वो एज ए हीलर यूज़ किया जाता है बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, जो कि नेचुरल हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा जो होती है उसमें भी ये बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो लोग बोलते हैं अपने घर में नमक का पोछा लगवाइए, तो सेंधा नमक का पोछा लगवाने के लिए वो लोग बोलते हैं। और कभी भी इस वाले नमक के लिए नहीं बोलेंगे जो आयोडीन युक्त, कि आप अपने घर में आयोडीन युक्त नमक का पोछा लगवाइए, आयोडीन की कमी सारे घर वालों को है वो पूरी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें बात, तो ठीक है सेंधा नमक को मैंने आपको बता दिया इतना लंबा सारा कि सेंधा नमक के बेनिफिट्स कितने सारे हैं, अब तक समझ में भी आ गया होगा कि सेंधा नमक क्यों खाना चाहिए और वो क्यों नहीं खाना चाहिए। क्योंकि पहले तो सेंधा नमक हमें नेचुरली मिलता है, हमें उसको प्रोसेस करके नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि जितना भी प्रोसेसिंग फूड होता है उनसे हमें बच के रहना चाहिए। जितना भी प्रोसेस वाला फूड होगा वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो सेम हियर, जो चीज़ नेचुरली हमें मिलती है हमें उसको ले लेना चाहिए और उसे यूज़ करना चाहिए। हम जितना आप प्रकृति के पास रहेंगे, समीप रहेंगे, प्रकृति आपको उतने अच्छे से संवारेगी। तो अब दूसरे वाला नमक क्यों नहीं खाना चाहिए, और अगर वो इतना ही हेल्दी है ये नमक, तो हम लोगों ने उसको खाना बंद क्यों किया, ये भी तो सवाल है। तो इसके पीछे का जवाब ये है कि देखिए, आज से 70 से 80 साल पहले यही सेंधा नमक ही खाया जाता था, और इसे बड़े बड़े कंटेनर्स में स्टोर करके रखा करते थे। इंडियन फैमिलीज जो होती थी वो इसे स्टोर करके रखा करती थी, जैसे यूज होता था उसे फोड़ कर यूज कर लिया करते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है कि अब सब लोग फ्री फ्लो के दीवाने हैं, अब फ्री फ्लो नमक क्यों नहीं खाना चाहिए, और हमारे लोग बुजुर्गों ने खाना क्यों शुरू किया जब उन्हें इतने सारे बेनिफिट्स तो पता थे इसके बारे में। तो उसका रिप्लाई ये है कि जो ये वाला नमक है ना, जो फ्री फ्लो वाला आयोडीन युक्त नमक, हमें इसलिए नहीं खाना चाहिए, तो क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा आयोडीन डाल के ये आप लोगों को देते हैं, तो वो नेचुरल नहीं है किसी भी फॉर्म में। और जो आयोडीन हमें हमारी बॉडी को चाहिए होता है ना, वो हमें
दालों से, हरी सब्जियों से, और बहुत सारे जैसे आलू है, सब्जियां, फल, फ्रूट, इन सब सी चीज़ों से मिल जाता है। और एक्स्ट्रा आपको आयोडीन आपकी बॉडी में नहीं चाहिए होता है। अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा आयोडीन हो जाता है तो उसके क्या डिसएडवांटेज हैं? उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि जिन लोगों को बेबी बेबी नहीं हो रहा है या फिर नपुंसकता की जो प्रॉब्लम है वो आ जाती है, और बहुत सारे गर्भ धारण नहीं कर पाती औरतें, इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये फ्री फ्लो नमक ही है। और क्या होता है कि हमारे जो बुजुर्गों ने इसे खाना क्यों शुरू किया, क्योंकि क्या हुआ था, आज से 70 साल पहले जब अंग्रेजों ने क्या किया, पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया हमारे इंडिया से, और इंडिया में ही ये नमक जब कनेक्टेड थे, दोनों कनेक्ट थे, तो पाकिस्तान के लाहौर में ही ये नमक पाया जाता था। और जब डिवाइड हुआ इंडिया और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने आयात निर्यात बंद कर दिया था, जिसके वजह से इस नमक को उनके पास में कोई सोर्स नहीं था इसको खाने के लिए, कि अब कहाँ से लाएंगे वो ये नमक, क्योंकि अब इंडिया में तो है नहीं इतना नमक, सेंधा नमक, तो खाने के लिए कोई ऑप्शन बचा नहीं था। तो उन्होंने ये जो नमक है वो खाना स्टार्ट किया था, और जो गांधी जी का सत्याग्रह का आंदोलन था, जिसमें इस नमक को टैक्स कर दिया था, कर मुक्त कर दिया था, जिसकी शायद किसी को ज़रूरत भी नहीं थी, और उन्होंने ये इसको कर मुक्त कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया, तो लोगों ने ये नमक फिर खाना शुरू कर दिया। तो ऐसे करते करते अब हम लोग इस नमक को सिर्फ व्रत के नमक के नाम पे याद रखते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके व्रत का नमक नहीं है, ये आपकी हेल्थ का नमक है, ये आपके हेल्थ के लिए टॉनिक है। और इसमें इंडिया में हमारे पास में जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाली है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको हर चीज़ आपके खाने से मिल जाती थी, लेकिन आजकल हम लोग नेचुरल जितनी चीज़ें हैं वो खाना भूल गए हैं, और जो इस तरह की चीज़ें हैं आर्टिफिशियल तरीके की, प्रोसेस फूड खाना स्टार्ट कर चुके हैं, तो हम लोगों की बॉडी में इतनी सारी डेफिशिएंसी हो चुकी है, जिनके वजह से हम लोग हर चीज़ को दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। और क्या करना है, अगर आपकी जैसे डाइजेशन पावर जो है वो कहीं ना कहीं एकदम ठप सी हो गई है, बहुत ज़्यादा गैस रहती है आपके पेट में, आपको भूख नहीं लगती है, आपको बहुत ज़्यादा आप परेशान है कि खाना जो खाया है वो पचता नहीं है, कभी कभी हो जाता है ना हैवी सा स्टमक हो जाता है, तो आपको क्या करना है, आप जब खाना खा रहे हैं तो 10 मिनट पहले आधा इंच अदरक का टुकड़ा लें, उसके अंदर ये जो नमक है, सॉल्ट है, उसको चुटकी भर सॉल्ट आपको लेना है सेंधा नमक का, और आप इसको उसमें लपेट कर, जो आपकी अदरक है उसमें लपेट कर, और इसे खा लीजिए, आपकी जो डाइजेशन पावर है वो बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव होगी, सुधरने लगेगी। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो था सेंधा नमक के ऊपर और जितने भी सॉल्ट हैं उसके ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिएगा, ताकि अगर मैं वीडियो कोई भी अपलोड करती हूँ फ्यूचर में तो आपको उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।